हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है जुलाई 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं मंथ ऑफ जुलाई में। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज का ये स्प्रेड होगा। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। फर्स्ट 10 डेज फॉर स्कॉर्पियोज इन मंथ ऑफ जुलाई, मिडिल 10 डेज फॉर स्कॉर्पियो इन मंथ ऑफ जुलाई। अंडरनीथ आपके पास है हैंगमैन, ओके, एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन, ओके। एस ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। सो सम काइंड ऑफ सीक्रेट जो है वो आपका सामने आ सकता है जिसके बाद कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है। हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग किसी के साथ हुई हो, और लाइक चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, बट यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस, कुछ हिडन है उसमें। हो सकता है वो हिडन कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हुई हुई है। लाइक आप जस्ट दिली दिल में उस पर्सन के लिए मोहब्बत फील कर रहे हैं और आप उस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सो एम्प्रेस, एयर ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, या तो आपकी मदर से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई मदर फिगर है जैसे आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के हवाले से आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ इसी तरह की। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको किसी की प्रेगनेंसी के हवाले से, बट यहाँ पर हैंगमैन है। या फिर आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का अपनी मदर की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से, जिसको, अगर ये मदर नहीं है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ वेटिंग पीरियड है। सो कुछ वेटिंग पीरियड यहाँ पर है, जो कि वेटिंग पीरियड यहाँ पर भी शो कर रहा है। आप किसी नए स्टार्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा वेट पर हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, और सीक्रेटली आप चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर आप कम्युनिकेशन खुद से नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक की हुई आपने कम्युनिकेशन, कुछ इस टाइप की आपकी सिचुएशन चल रही है। लाइक आप दिल ही दिल में किसी को चाह रहे हैं लेकिन आप उससे कह नहीं रहे, ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं दिल ही दिल में, लेकिन आप उसको अपने अंदर रखे हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकेज किया हुआ है। तो यहाँ पर डिलेज हैं, हो सकता है वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, तो डिलेज यहाँ पर हैं। इन मिडिल डेज आपके पास है 5 ऑफ सोर्स, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स। कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है, एक सेल्फिश किस्म की फ़ाइट क्रिएट हो सकती है इन मिडिल डेज में, जो कि रिस्की फ़ाइट है। अगर आप ये फ़ाइट स्टार्ट करते हैं तो ये एक रिस्क हो सकता है जिसके बाद आपको वॉकआउट करना होगा किसी रिलेशनशिप से। सो इसलिए आप जो है देख समझ के ही कोई बात किसी से अगर करनी है तो करें। और हो सकता है कोई पर्सन सेल्फिशनेस दिखाए, या कोई ऐसा झगड़ा फसाद पैदा हो सकता है जिसमें किसी को कोई कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ बर्बादी आती है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको वॉकआउट करना हो सकता है रिलेशनशिप से, किसी रिलेशनशिप से, या किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से। सो आप जो है बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त भी हो सकते हैं इससे, और आप वॉकआउट कर सकते हैं इस टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से इन मिडिल डेज में। लास्ट 10 डेज में आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड
ए नाइट ऑफ कप्स। सो आप अगर किसी की तरफ से वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके पास आएगा, आप एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है जिसकी तरफ से आप वेट कर रहे थे शुरू में, फर्स्ट 10 डेज़ में उस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है चीज़ें बेहतर होने का। बट यहाँ पर आप जो है आपने अपने नज़रियात को ऐसा बनाया हुआ है जो आपने ख़ुद सख्ता बाउंड्रीज़ घेरी हैं अपने इर्द गिर्द। आप अगर उन बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो जो आप चाह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बट आपने अपने आप को ख़ुद से बाउंड्रीज में रखा हुआ है। इन मिडिल डेज में आप अगर इन बाउंड्रीज से अपने आप को निकालते हैं तो ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और तो ही आप उस पर्सन अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए उस पर्सन तक पहुँच सकते हैं या फिर वो पर्सन आप तक पहुँच सकता है। सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जो भी फाइट हैं वो जो है आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं इन लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में, अगर आप अपने आपने माइंड को क्लियर करते हैं तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई हों जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अगर वो ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो आपकी रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम है, कुछ डिलेज है। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज क्या है। Forgive and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Like आपने अगर किसी को साफ़ boundaries बनाई हुई हैं, आपने communication block की हुई है, आप relationship से walkout हुए हुए हैं, तो आपको forgive and learn करना है। अगर आप दोबारा से restart चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो person आपके पास आए, तो आपको forgive and learn करना होगा इस सिचुएशन से, आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा, ये खुद सख्ता बाउंड्रीज जो है इनको हटाना होगा, तो जाके आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी जैसा मैंने कहा। सो स्कॉर्पियोज ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।